नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और सारे न्यूज क्लिक का दर्शक को मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरा साथ आज गुड़गांव हरियाणा से जोड़ रहे हैं श्री शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। डॉक्टर कुरैशी भारतवर्ष का भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त थे 2010 और 2012 के बीच। वो आईएएस अधिकारी भी थे इससे पहले, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हरियाणा काडर 71 बैच का, और वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सचिव भी थे। आजकल उन्होंने किताब भी लिखा है, भारतवर्ष का चुनाव व्यवस्था के ऊपर भी किताब लिखे है। और आज हमारा चर्चा का विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिस विषय के ऊपर कुछ दिन पहले 8 अप्रैल कुरैशी जनाब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो 2017 में हमारे उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड भारतवर्ष का चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा और अगर पारदर्शिता नहीं रहेगा तो भारतवर्ष में जो चुनाव चल रहे हैं और इससे पहले भी और इसके बाद भी जो चुनाव चल रहे हैं, सचमुच स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ, निष्पक्षता के साथ नहीं चलेगा। मगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने शुरू किया 2017 में, एकदम विपरीत उसका असर पड़ा। पारदर्शिता तो भूल ही जाइए, आज कौन किसको पैसे दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, जो कौन ये दाता है, इसमें गोपनीयता ज्यादा हो गया, गुप्तता ज्यादा हो गया। तो बहुत ही आश्चर्य बात है कुरैशी जनाब कि जेटली जी कुछ कहा और पार्लियामेंट में कहा, सांसद में कहा, और आज हम देख रहे हैं 4 साल के बाद इसका असर एकदम विपरीत हो गया। आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए क्यों आप ये कह रहे हैं। देखिए, जो मैंने जैसा आर्टिकल में लिखा था उसमें मैंने याद दिलाया था कि जब 2017 की बजट स्पीच दे रहे थे जेटली साहब, तो मैं सुन रहा था और मैंने उनके जो ओपनिंग स्टेटमेंट इस पार्ट का जो सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने ये कहा कि बगैर ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली जो चीज हम कह रहे थे वो उन्होंने कही, तो हमारी उम्मीद जागी कि अब तो ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 70 साल में हमारी कोशिश के बावजूद ट्रांसपेरेंसी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उससे भी ये उम्मीद बंधी कि अब जो 70 साल में नहीं कर पाए अब ये कर देंगे। और अब तीसरा सेंटेंस ये होगा कि वो ट्रांसपेरेंसी हम कैसे अचीव करेंगे। तीसरा सेंटेंस ने सारे हमारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड शुरू करेंगे। हम हैरान हुए कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड और इसका मतलब क्या है। और उसको में जो आगे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीक्रेट होंगे कि किसने किसको कितने पैसे दिए बॉन्ड में के रूप में, ये किसी को नहीं पता लगेगा। और रीजन उन्होंने दिया कि जो डोनर है वो सीक्रेसी चाहता है। तो हमें हैरानी हुई कि डोनर के सीक्रेसी चाहना और जनता का ट्रांसपेरेंसी चाहना, इसमें से उन्होंने डोनर की सीक्रेसी को प्रेफर किया। और इसकी जो आर्ग्यूमेंट भी दी गई ना, वो भी मैं समझता हूँ बड़े स्प्यूरियस आर्ग्यूमेंट थी कि देखिए 70 साल से ये डोनर जो थे कॉरपोरेट हर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते ही थे, और कई कंपनी तो राइवल कैंडिडेट को, राइवल पार्टीज को, दोनों तीनों पार्टियां जो रेस में सबको देते थे कि कोई भी पावर में आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इन्होंने कहा कि साहब उसमें अगर एक पार्टी को दिया तो दूसरी पार्टी नाराज हो जाएगी और वो पावर में अगर होगी आ जाएगी तो फिर तो वो इनके साथ रिप्राइजल करेगी। तो मैंने इस पे ये सवाल किया कि ये बताइए कि 70 साल में आपकी पार्टी के साथ किसी ने कोई ज्यादती की कि जब आपको डोनेशन मिला या आपके डोनर के साथ ज्यादती हुई,
या आपने और दूसरों के खिलाफ कोई सख्ती की बाद में कि जी कांग्रेस को क्यों दे दिया, तो ये आर्ग्यूमेंट जो थी ये बड़ी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेच्ड आर्ग्यूमेंट बस कहने के लिए कहने को कह दिया। क्या रीजन हो सकता है उस ट्रांसपेरेंसी का, क्यों ट्रांसपेरेंसी? मैंने इसमें कहा है कि डोनर अगर अगर डोनर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, जो 70 साल में तो नहीं चाहती थी, और अगर वो चाहता है तो वो इस वजह से चाहता है कि जो जवाब में उसको रिटर्न फेवर्स मिलेंगे, यानी लाइसेंसेस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लोन मिलेंगे, बड़े बड़े बैंकों से कर्जे मिलेंगे, जिसको लेके उनमें से कई लोग भाग जाएंगे, विदेश में भाग जाएंगे, ताकि वो किसी को पता ना लग जाए कि अगर किसी कंपनी ने 20 करोड़ दिए, उसके जवाब में उसको लाइसेंस मिला, तो जनता को पता लग जाएगा कि ये तो खुलेआम बेईमानी हो रही है। उसको छुपाने की कोशिश की है, जिसमें डोनर को भी इंटरेस्ट हो सकता है और ऑब्वियसली सरकार को भी बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा डॉक्टर कुरैशी जनाब, आप सब जानते हैं कि 2017 में जो वित्त मंत्रालय का जो फाइनेंस एक्ट, जो बजट, उसमें बहुत सारे कानून में बदलाव लाया। एक है भारतीय रिजर्व बैंक का जो कानून है, एक जो कंपनियों का जो कानून है, एक है इनकम टैक्स है, जो आयकर का जो कानून है, एक है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो 91 साल में जो जन प्रतिनिधित्व के ऊपर जो अधिनियम लाया, और साथ साथ FCRA यानी कि विदेशी योगदान जो विनियमन जो अधिनियम है, इसमें भी बदलाव लाया। तो ये सारे कानून के जो क्या असर पड़ा, इस विषय के ऊपर मैं बारीकी से आपसे पूछना चाहता हूं। मगर एक चीज साफ हो गया, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन जो आयोग है, दोनों दोनों संस्थाओं ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जैसा कहा, जो दाताओं हैं, जो डोनर्स हैं, वो तो चाहते हैं गुप्तता, वो तो चाहते हैं गोपनीयता, मगर ये आम व्यक्ति जो आम नागरिक है, उनके लिए क्या है? उन वो तो पारदर्शिता आप नहीं ला रहे। तो आज हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया है कुछ दिन पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का जो चुनाव जो जो आयोग है, इनका वकील का भी जो कहना है, इनमें भी इनका राय, इनका मत बदल गया। क्या हुआ जरा समझा दीजिए हमें। जी आपने जैसे कहा कि कितने ये जो बॉन्ड लाए गए थे, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग से या एक कैजुअल रिमार्क के थ्रू नहीं, बल्कि आप देखेंगे कितनी डीप थिंकिंग थी। आपने चार जो एक्ट जो मेंशन किए, यही मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किए कि इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट किए, रिजर्व बैंक का एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इन सब में कंपनीज एक्ट, इन सब में चेंजेस किए। कितना इलेबोरेट और डीप थिंकिंग की एक्सरसाइज थी, और इसके नतीजे में जो भी ट्रांसपेरेंसी थी वो जो गई, इसका में जो तीन चार खतरनाक बातें हुई कि एक तो जो कंपनी एक्ट में सेक्शन 182 उसको हटाया, उसमें ये था कि कोई भी कंपनी पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स में से 7.5% तक पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती और 7.5% उनका मुनाफा होना चाहिए। मुनाफे में से अगर वो 3 साल से मुनाफे में है, तो उस मुनाफे में से 7.5% वो चंदा दे सकते थे। इस मुनाफे की लिमिट, एक जमाने में ये लिमिट 5% होती थी और पहले कभी 7.5% हो गई थी, अब 7.5% से 10 कर देते, 12 कर देते, लिमिट टोटली हटा दी। यानी 100% प्रॉफिट कोई भी कंपनी अब पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। बल्कि उसमें एक ये दूसरा एक और भी प्रोविजन था कि जो कंपनी डोनेशन देती है वो अपने बोर्ड में रेजोल्यूशन लाएगी, ताकि मेंबर्स ऑफ द बोर्ड को पता हो कि किस पार्टी को क्या चंदा दिया जा रहा है, उनकी उसमें से होनी चाहिए। वो भी है वो हटा दिया गया कि कोई बोर्ड में रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं, यानी जनता को तो पता नहीं लगेगा लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं, अब उनको भी नहीं पता लगेगा, ये भी उन्होंने उसमें से हटा दिया। तो
अब ऐसी सूरत में तो ऐसे जैसे आपने कहा कुरेशी जनाब, तो एक तरह से आप क्रोनी पूंजीवाद को कानूनी बना दो। आपका कंपनी का जो निर्देशक है उनको भी मालूम नहीं है, कंपनी का मालिक को मालूम है, कंपनी का शेयर होल्डर को मालूम नहीं है। आपका कंपनी मुनाफा नहीं बना रहा है, घाटे में है, एक डमी कंपनी है, फिर भी आप वो डमी कंपनी बना के आप पता नहीं कितने पैसा ये राजनीतिक दल को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरे उस आर्टिकल का एम्फेसिस था, जोर इसी बात पे था कि जो अब ये कंपनी क्रोनी कैपिटलिज्म जिसकी हम बात तो करते हैं कि भाई जो कंपनियां पैसा देंगी तो वो फ्री लंच तो कोई होता नहीं, उसके बदले कुछ तो चाहिए, तो वो बदला जो है वो बिल्कुल अब हमारे आंखों से छुपा दिया गया। तो और क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ही होता है कि इनडायरेक्टली ये कंपनियां सरकारें चला रही हैं। सरकारें कैसे चलाएंगी, पॉलिसियां ये बनाएंगी, पोस्टिंग ट्रांसफर ये करेंगे, कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये डिसाइड करेंगे। तो यही तो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, यही तो कैपिटलिज्म का सरकार चलाने का तरीका होता है। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो चार बिग बहुत ही बड़े बड़े कंपनी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी कितनी चल रही है सरकार में, वही सरकार वर्चुअली चला रहे हैं, ये पब्लिक परसेप्शन है। तो ये कोई अच्छा परसेप्शन तो नहीं है, क्योंकि तो जनता को दिखाई दे रहा है कि भाई ये बिजनेसमैन के इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहे हैं। नहीं कुरैशी जी, मैं रोक रहा हूं आपको, क्योंकि एक सवाल का जवाब मैं दोबारा आपसे दोबारा सवाल उठा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने कुछ कहा था 2017-18, आज 2021 में सबसे उच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग का वकील का मत बदल गया क्या? उन्होंने कहा कि ये तो ठीक ही है, चलने दीजिए, सरकार जो कह रहे हैं करने दीजिए, कैश में नहीं हो रहा है, बॉन्ड में हो रहा है, ये तो इसमें खराब ही क्या है। तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का जो पोजीशन था, उनका जो कहना है, हूबहू बदल गया, आसमान जमीन का फर्क हो गया। बिल्कुल, देखिए 2017 में जब ये बॉन्ड आए थे तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया था और लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, प्रोटेस्ट की चिट्ठी लिखी थी कि आपने सारी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी और ये बहुत डिजास्ट्रस होगा डेमोक्रेसी के लिए। अब वही इलेक्शन कमीशन उनका वकील खड़े होकर कहता है कि जी इलेक्शन इलेक्ट्रो बॉन्ड से हमें कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल सरकारी भाषा वो इसका प्रयोग कर रहा है और सरकार अपनी भाषा में सिर्फ एक ही डिफेंस करती है कि ये पहले कैश कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते थे, इस कैश कॉन्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दिया बैंकिंग सिस्टम से कि बैंक के जरिए ही बॉन्ड खरीदे जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली सरकार की लैंग्वेज इन्होंने यूज कर दी और एक जो एप्लीकेशन थी ADR की सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई अब इसको फिलहाल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, गैर सरकारी संस्था है, इनकी इन्होंने जो डिमांड की हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कि साहब इसके अगली जो विंडो आने वाली है हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए बॉन्ड बिकते हैं कि इन पे रोक लगा दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सरप्राइजिंगली अपना स्टैंड चेंज करते हुए ये बोला कि साहब ये इसको स्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं और ये तो बॉन्ड बड़ी अच्छी चीज है, वो सरकार की लैंग्वेज और जब फाइनल आप फैसला करेंगे उसमें आप जब तक आप इसको स्टे रहने दीजिए। तो ये परिवर्तन, ड्रामेटिक परिवर्तन कैसे हुआ इस पे तो सबको अचंभा है, सबको हैरानी है। अब इसका हम क्या जवाब दे सकते हैं कि ये इस चेंज का कारण क्या है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकती है। तो एक और विषय के ऊपर आपसे मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो FCR है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशी योगदान जो विनियमन है, जो उसका जो अधिनियम है, इसमें जो बदलाव लाए। अच्छा, आपको याद है कि 2014 में दिल्ली का जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों भारतवर्ष के दो सबसे बड़ा राजनीतिक दल, विदेशी कुछ कंपनियों से, कुछ कंपनियों के ट्रस्ट से लिया, ये गैर कानूनी है। फिर भी मोदी जी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार, जिस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे,
ये कानून बदल दिया। तो ये आज नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अमेंड किया, यानी कि पहले से, बहुत साल पहले से इसको संशोधन किया, क्योंकि आप जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट का राय को एक तरह से आप खत्म करने के लिए किया। इसका मतलब जो इससे पहले जो कानून थे, जो विदेश से पैसा भारतवर्ष के चुनाव व्यवस्था में, भारतवर्ष का राजनीतिक दल विदेश से पैसा नहीं ले सकते, तो ये सारे कानून बदल गया। आप देखें भारतवर्ष क्यों, अमेरिका में आरोप चल रहे कि रूस से पैसा कि वहां का चुनाव व्यवस्था में एक असर पड़ रहा है। तो इसका जरा ये जो कानून में जो बदलाव आए हैं और इसके साथ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है, इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है कि आज भारतवर्ष की जो चुनाव व्यवस्था है, भारतवर्ष के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, इनका पैसा विदेश से भी आ सकता है और ये कानूनी हो गया। जी देखिए, ये 2010 में इन्होंने एक एक्ट चेंज किया था, क्योंकि एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने फॉरेन फंड एक्सेप्ट किए हैं, तो उसको लीगलाइज करने के लिए उस वक्त की सरकार ने, यूपीए सरकार थी, उन्होंने 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो 1976 का था उसको चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया। तो लेकिन हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इस चेंज से आपको कोई बेनिफिट कोई नहीं, क्योंकि जो आपने, क्योंकि एक्ट का असर तो प्रोस्पेक्टिव होता है कि 2010 से शुरू होगा, लेकिन आपने जो पैसे लिए थे, वायलेशन की थी, वो 2010 से पहले की थी, यानी 2010 के एक्ट से वो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो उस वक्त इन्होंने बाद में 2013 या 14 में, 14 के बाद बीजेपी की सरकार ने 2016 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 42 साल का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, के जो 1976 का एक्ट है उसी को खत्म कर दिया और 2010 के एक्ट को चालू और लागू एक्ट कर दिया। यानी जो 42 साल पहले से जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती रही, अगर उनमें कोई बीमारियां थी, लीगैलिटी थी, वो सब कवर अप हो गई। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती की बात है कि आप अगर आपका कजिन लंदन से आपको 100 पाउंड भेजे और तो FCRA के एक्ट के मुताबिक आप उसको बैंक में अगर डालेंगे तो जेल में जाएंगे ना, $100 के लिए लोग जेल में जाते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होते हैं। और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जिसकी इम्प्लीकेशन ज्यादा है, खतरनाक है, वो अगर फॉरेन फंड लेते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता, वो लीगल है। अब कौन कंट्री हमारे इलेक्शन को फाइनेंस कर रही है, और ये कोई इमेजिनरी वो नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ इसको हम तसव्वुर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जैसा आपने कहा और जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका, उसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन रशिया, उस पर इल्जाम लगा कि उसने इनके इलेक्शन में इंटरफेरेंस की है और उस पर पूरा सीरियस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बैठी। अगर टू सुपर पावर्स के बीच में ये हो सकता है तो हम तो उस लिहाज से काफी कमजोर हैं, हमारे यहाँ तो इंटरफेरेंस शायद और ज्यादा आसान है, और उसको सीक्रेट कर दिया ना। मैं कहता हूँ क्यों ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लागू कर दो कि अगर किसी ने को पता लगा दिया कि किसने किसको बॉन्ड दिया है, पैसा कहाँ से आया है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, बस शॉर्ट ऑफ दैट सभी कुछ तो सीक्रेट कर दिया। अच्छा, ये जो गोपनीयता है, जो सीक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये सचमुच कितनी गोपन है, इसमें कितना गुप्तता है? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग, क्विंट के जो पूनम अग्रवाल और भी बोला कि एक है ये जो बॉन्ड है, हर कागजे के ऊपर एक सीरियल नंबर है। दूसरी बात है कि ये जो बॉन्ड, अब इधर उधर से नहीं, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके आपको वहां से आप खरीद सकते हैं, वहां पे KYC, नो योर कस्टमर। इसका मतलब है भारतीय स्टेट बैंक को मालूम है कौन खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो तो अलग बात। इसके मतलब है भारतीय स्टेट बैंक का तो सब कुछ मालूम है। और भारतीय स्टेट बैंक का मालिक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक का मालिक है भारत सरकार।
इसके मतलब है क्या, सचमुच इसमें पारदर्शिता है या गुप्तता है? किसको मालूम है कहां से पैसा आया, कौन पैसा दिया, कौन सा कंपनी, कब दिया? भारतीय जनता भारतीय स्टेट बैंक के पास तो सब मालूम है। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वो क्या स्टेट बैंक से ये सूचना मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? सचमुच इसमें गोपनीयता है इसमें या गुप्तता है या नहीं, यही सवाल है मेरा। देखिए, गोपनीयता इसमें सिर्फ जनता से गोपनीयता है और ऑपोजिशन पार्टी से गोपनीयता है। जैसा आपने कहा कि स्टेट बैंक को तो मालूम है क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो बिल्कुल वर्थलेस है जब तक उसको इनकैश न किया जाए। किसने खरीदा ये बैंक को मालूम है, बैंक को पता होना ही होना है। और ये किसको दिया जाएगा, क्योंकि वो जिसको ये दिया जाएगा वो अपने बैंक में इसको कैश में कन्वर्ट करेगा, तो उसको भी पता है। फिर जैसा आपने कहा कि किसी पोर्टल ने दो नोट खरीद के उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा तो उसमें एक सीक्रेट कोड था, जिसको ये बैंक और ये सरकार डिनाई करती थी। तो झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, वो डिनाई करती थी नहीं है, लेकिन ये तो एक मीडिया हाउस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के चीज को साबित कर दिया। और ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि स्टेट बैंक को तो खैर मालूम होना ही है, और स्टेट बैंक के ओनर इसमें ला इल्म रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता होगा, ये भी हंसने की बात है। ऑफकोर्स उनको मालूम है और उन उस पर वो वॉच रखें, ताकि अगर किसी कंपनी ने मुखालिफ पार्टी को चंदा दिया उसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टरेट के इनकम टैक्स के हर किस्म के रेड होते हैं, और ऑलमोस्ट ये तो एक आम प्रैक्टिस ही होके शुरू हो गई है। तो इसकी गोपनीयता जो है वो सिर्फ जनता से है, और लेकिन जो रेलिवेंट पार्टीज हैं इसमें उनसे तो नहीं है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पर्पज तो ये था ना कि कोई विंडिक्टिव एक्शन ना हो जाए, किसी डोनर के खिलाफ कोई सख्ती ना हो जाए, तो वो तो सरकारों को मालूम है और सरकार एक्शन ले सकती है, और कभी कभी सुनने में आता है कि वो एक्शन लेती रहती है। कुरेशी जनाब, ये जो सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग कह रहे थे ये बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए बॉन्ड्स, मगर सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। फिर भी ये चीज माने आ मान लिया सुप्रीम कोर्ट कि सबसे उच्च न्यायालय कह रहे कि ये जो पैसा इसका दुरुपयोग हो सकता है, कोई आतंकवादी के पास चला जाता है, तो आप आपका लेख में और आप अकेला क्यों? बहुत सारे लोग ने बहुत साल से कह रहे ये जो व्यवस्था है इसमें ये खत्म कर दीजिए, परिवर्तन लाइए आप, पारदर्शिता लाइए। जो राजनीतिक दल है उसका खाता कौन ऑडिट करेगा? अपने दोस्त को ऑडिटर मत दीजिए, एक पैनल बना दीजिए जो सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या और कोई करेगा। आप कहा कि इसको 30 सेकंड में आपका अधिनियम बदल जाएगा, सिर्फ आप इसमें बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए कौन है दाता, दाताओं का नाम, और इसके बाद ये भी आप कह दीजिए ये अगर 10,000 करोड़ खर्चा करना है तो ठीक है, इसमें क्या है, भारत सरकार को खर्चा करनी है, ये पब्लिक फनी, ये हम आम आदमी के पैसे से आप चुनाव लड़िए। आपने जितने सारे सलाह दिया, बहुत लोग ऐसे सलाह दिया, मगर हमें तो नहीं लग रहा कि ये सरकार आपका सलाह लेंगे, आपका कोई बात सुनेंगे, और जो जो स्थिति है वही चलने वाले हैं। इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, अभी भी कुछ अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव किया, और जो ट्रांसपेरेंसी की बात आपने किया, जो जो पारदर्शिता का बात आपने किया, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो हमारे जो चुनाव में जो स्वाधीनता होना चाहिए, जो निष्पक्षता होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, आपने जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र किया, मुझे बड़ा दुख है ये देखते हुए, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में कोई अर्जेंसी नजर नहीं आई। 2017 से ये केस चल रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। जैसा कि जेटली साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल
विदाउट ट्रांसपेरेंसी। 3 साल से 4 साल से ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन डाउट में पड़ गए, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक जमाने में कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जनता का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो वो डेमोक्रेसी इतना फंडामेंटल चीज खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट को 4 साल में टाइम ना मिले, ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। एंड सुप्रीम कोर्ट शुड बी क्वेश्चन कि आपके लिए ये नेशनल के इम्पोर्टेंस के केस अर्जेंट नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है तो क्या चीज अर्जेंट है आपके लिए? आप सवाल उठा रहे, मैं सवाल उठा रहा हूं, कौन सवाल उठा रहे? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उच्च न्यायालय है, कौन सवाल उठाएंगे? करेक्ट, लेकिन जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ा अच्छा एक सवाल हटाया, उसके बाद तो अर्जेंसी और होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इसका एंड यूज क्या होगा, इस पैसे का खर्चा क्या होगा, क्या ये टेररिस्ट के हाथ में चला जाएगा? और मैंने अपने आर्टिकल में ये भी सजेस्ट किया कि टेररिज्म में भी जा सकता है, मिलिटेंसी में भी जा सकता है, और पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल नया धंधा शुरू कर दिया है कि इलेक्शन के बाद दूसरे एमएलए को खरीद लो, 100-100 करोड़ दे के आप खरीद के ले आइए, तो आप हारे हुए भी हैं तो जीत जाएंगे, तो पब्लिक मैंडेट को चीट करना, तो ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को विशिएट करना, उसको खराब करना, कि ये सारे कदम हैं। और एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने अगर खुद ही इस चीज को पॉइंट आउट किया तो उसका समाधान भी तो करना चाहिए था, तो उन्होंने समाधान स्टे देने से इनकार कर दिया। क्या स्टे देने में क्या आपत्ति थी इसमें? यही तो कह रहे हैं कि भाई आप ट्रांसपेरेंसी को रिस्टोर कर दो। दूसरी चीज जो आपने बताई, मैंने इसमें ने आगे क्या होना चाहिए, मैंने ये 3 सजेशन उसमें दिए हैं कि सबसे बड़ा सजेशन तो ये है कि ठीक है आप इसरार करते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड बड़ी अच्छी चीज है और हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि कैश के बजाय सिर्फ बैंकिंग चैनल है, तो मैंने कहा कि ठीक है अगर आप उसको नहीं हम चेंज करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप बस ये डिक्लेयर कर दो कि किसने किसको कितना पैसा दिया। 30 सेकेंड्स का ये काम है सरकार के लिए कि ये फौरन ये कह दे कि हाँ जी बैंकिंग हमें कोई तरह नहीं, बहुत अच्छी चीज है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कैशलेस हो गई और बैंकिंग हो गई, लेकिन किसने किसको दिया ये बता दो। तो इसमें क्या आपत्ति, इस डिमांड में क्या खराबी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकती थी, कहना चाहिए था, तो लेकिन वो फाइनल केस के लिए टल गया और 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अब कितने साल चलेगा, इसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हमें सवाल करने का हक बनता है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने ट्रांसपेरेंसी बिल का सबसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन्होंने 2002 और 3 में किया था, जिस पर लोग जी जनता का जो राइट टू नो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है शामिल कि कैंडिडेट के पास कितना पैसा है और उसकी क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसकी संपत्ति का क्रिमिनल कीमत है, ये सब आज सबके सामने है ना, क्रिमिनल केसेस कितने हैं उनके हैं, वो खुद एफिडेविट देके देता है। तो उसको भी उस वक्त 2003 में सरकार ने उस जजमेंट को कैंसिल करने के लिए एक एक्ट पास किया कि सिर्फ कन्विक्शन रिपोर्ट होंगी, जो अंडर ट्रायल केसेस है वो नहीं होंगे। तो ये एडीआर फिर कोर्ट में वापस चली गई कि साहब ये तो चीटिंग हो रही है आपके जजमेंट की, उल्लंघना हो रही है कि इन्होंने एक्ट पास कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त व्यू लेके उस एक्ट को निकाल के फेंका और उन्होंने कहा नहीं यार हमारी जजमेंट आपने फॉलो करनी पड़ेगी, क्या जो भी जो केसेस आपके पेंडिंग है वो भी आपको बताने पड़ेंगे, और उसमें हम देखते हैं रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, सीरियस केसेस हैं, कुछ एमपी के खिलाफ तो 50-50 केसेस हैं। ये चीज ट्रांसपेरेंसी ये कोर्ट ने ही शुरू की थी ना, उस वक्त की कोर्ट और आज की कोर्ट में ये फर्क कैसे आ गया, तो हमें इस पर चिंता है। ठीक है जी, तो कुरैशी जनाब आपने विस्तार से बारीकी से समझा दिया और समय बताएंगे इसमें कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं, मगर अभी तक तो ये साफ है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भारत सरकार ने लाए हैं पारदर्शिता का नाम में, इसका असर एकदम उसके विपरीत, और जिस तरह से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो व्यवस्था है ये प्रोत्साहन दे रहे हैं क्रोनी पूंजीवाद। सारे न्यूज क्लिक का दर्शक से के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक।
Thank you.